शैडो फाइट मेरी अच्छी है, स्ट्रीट फाइटर मेरा अच्छा है, एस्पोर्ट मेरी अच्छी है। हाउ? ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे आप? ऑल द बेस्ट बोलो, कहीं रिजेक्ट हो गया फिर? प्यार की कोई कीमत नहीं होती, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, वक्त की कीमत होती है जो इसने मेरा बर्बाद किया दिखाकर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आफ्टर प्लेग्राउंड, ये मेरा पहला व्लॉग है। और एक व्लॉग डाला था मैंने प्लेग्राउंड में जाने से पहले कि मेरी जर्नी कैसी थी सब कुछ, और दिया को लेके जा रहा हूँ डेट पे। डेली मेरे कमेंट्स में और डीएम्स में, मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे, इंस्टाग्राम पे एक ही चीज आ रही थी कि व्लॉग करो, व्लॉग करो, व्लॉग करो। सो फाइनली व्लॉग आ रहा है। एक अच्छी सी लोकेशन पे लेके जाऊंगा उसको, छोटे मोटे गिफ्ट्स लिए मैंने उसके लिए। तो बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं खुद अभी इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ उसको। आई एम सो एक्साइटेड, और मिलता हूँ गाइज आपको थोड़ी देर के बाद। और हाँ, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैं शायद से रास्ते में अगर सैलून फ्री हुआ तो मैं मेरे हेयर कट भी कराऊंगा, और मिलता हूँ आपको तभी। तो हो गया हूँ मैं रेडी, मैंने पहना है, दिखा देता हूँ, पिंक पैंट, ब्लैक, ऑल सेट। अभी चलते हैं दिया को पिक करने के लिए। ओके गाइस, सो मैं फाइनली सैलून आ चुका हूँ, और हेयर कट बहुत ज़रूरी था तो मैंने कहा हेयर कट करा लेता हूँ। तो हेयर कट हो चुका है मेरा। ऑल दी बेस्ट नहीं बोलोगे आप? ऑल दी बेस्ट बोलो, कहीं रिजेक्ट हो गया फिर? प्रमोशन। ओके गाइस, तो हेयर कट हो चुका है, चलते हैं उसको पिक करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। दिया आ रही है, हेलो, सरप्राइज। नहीं, ये लो, दिस इज फॉर यू। कैसी हो? कैसी हो? तो दिया, तुम्हें कैसा लग रहा है सब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने प्यार से लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। पहली बार किसी ने मुझे ऑटो में पिकअप किया। यार ऐसे मत बोलो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। मुझे जगह देखनी है अब, आई थिंक वी आर गोइंग टू अ चाय शॉप। नहीं, मैंने सोचा कि अगर मैं ऑटो से जाऊंगा तो तुम मेरे लोकेशन पे डाउट करोगी कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरा स्मार्ट मूव भी हो सकता है। अभी भी वहीं पे हूँ मैं। फाइनली आफ्टर प्लेग्राउंड, वी आर गोइंग ऑन अ डेट। चलो, तभी अच्छी हो, आई होप। अदर नॉइज, लाइटिंग अच्छी है। ये देखो, कभी भी क्रिएटर को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। ये देखो, यही होता है हर जगह पे, कंटेंट ही कंटेंट। क्या बात, यस, यू लव यू मम्मा, तुम्हें ये जगह। ओके, आई विल सी यू सून, बाय। अभी अच्छा लग रहा है अंदर आके, है ना? यस, इट्स सो मच मोर बेटर एंड क्वाइटर, एंड एसी भी चल रहा है। Yes. So, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, because 40 दिन हम घर के अंदर कैद थे। Yes. We only used to eat दाल चावल रोज। Your favorite. And now, finally eat my nachos. Mexican favorite. And then we have our pesto pasta, which is my favorite again. So yeah, I'm excited to eat, and I think you should stop vlogging because like I want to talk to you. Bye. You can also. But bye. कैसा लग रहा है फूड? बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली सम गुआक, सम नाचोस, सम राजमा, एंड चीज। चीज इतना मिस किया मैंने ब्रो। मुझे तो घर का दाल चावल याद आ रहा है भाई। हाउ? प्लेग्राउंड का हाउ क्या होता है? अच्छा लगता था मेरे को। 40 मेरे को शुरुआत में लाइक आई वाज एडिक्टेड, दो हफ्ते तक आई वाज ओनली ईटिंग दैट, बट देन तो अभी शुरू कर रहे हैं ना सीजन 5 के लिए, तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। भाई कहाँ से, शैडो फाइट मेरी अच्छी है, स्ट्रीट फाइटर मेरा अच्छा है, एस्पोर्ट मेरी अच्छी है। हाउ?
I came third. I came third. Vanja Jarman came for second. I came third. Mohit came fourth. And you came last. अभी बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो ये नहीं मानेगी स्ट्रीम पे ना. आई प्रॉमिस टू गाइड गाइज एस्पोर्ट से खिलवाऊंगा और रेस करूंगा मैं और ये, और आप लोग बताना कि किसकी गेमिंग ज्यादा अच्छी है. पकड़ेंगे. अबे भाई झूठ कितना बोल दिए. वैलोरेंट में तुम्हारे कितने किल थे? 68 मेरे को याद है. मेरे कितने थे? 116 उन्होंने मुझे बोला था, मोहित और अरांश ने पीछे रहे. उन्होंने इसलिए बोला था तो कह रही है ऑन कैमरा कि तुम्हारा वैलोरेंट और एस्पोर्ट मुझसे अच्छा है 100%. और अगर तुम हार गई फिर क्या दोगी? आई वॉन्ट मेरी ऑडियंस के लिए गिव अवे. यस अभी बताना है तुम्हें ऑर्डर क्या ऑर्डर है. क्या दूं? लाइक आई डोंट नो, लाइक स्नीकर्स और समथिंग. इट आई विल बी लाइक अ क्लोथिंग प्रोडक्ट और इट विल बी स्नीकर्स. आज मैं इसके लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाया हूं गाइस. मेरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने सारी इन्वेस्ट कर दी है क्योंकि मेरी पहली डेट थी. मुझे बहुत स्पेशल बनाना था तो मैं गिफ्ट बहुत अच्छा लेके आया हूं. आफ्टर फूड मैं वो देने वाला हूं उसे. शाहिद कपूर. हां कबीर सिंह. ओके गाइस, सो हो चुका है पैक अप. पैक अप करें और अब मैं दूंगा गिनने वाली थी मैं. अब मैं दूंगा ब्लॉग के चक्कर में. गिफ्ट दूंगा मैं. आई एम रेडी फॉर द गिफ्ट. लेट्स गो. वो टाइमिंग. मैं आया था ऑटो से एंड ले जा रहा है कैब से. आई वंडर व्हाई. मुझे ऐसे लगता है कि आपको हर तरीके का लाइफ जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल जीना चाहिए. आप आए ऑटो से थे, आपने खाया अच्छे से, अब अच्छे से जाना चाहिए घर कैब में, है ना. और दिल से तो आई एम एन ऑटो गर्ल. आई लव द ऑटो. यस, इसलिए मैंने ऑटो करी थी ना कि पैसे बचाने के लिए. तो ये ऐसा कुछ है नहीं, समझ रही हो. सो ये गिफ्ट और मैं पहले, रुक जाओ, खोलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ का जितना भी मैंने सेविंग कर रखा था जेन्युइनली वो सब मैंने इन्वेस्ट किया इस चीज़ में बिकॉज मेरे को आज का दिन बहुत स्पेशल बनाना था. तो मैं याद रही है. सो यस, नाउ यू कैन ओपन. गेस करो क्या हो सकता है. गेस करो क्या. नहीं. यस. लेट्स रंबल. Oh my god. Wait, मैं को वीडियो लेने दो. Oh my god. This is pretty. सच सच बता. अच्छा लगा? बहुत प्यारा है यार. ये मैंने बहुत टाइम से how expensive was it? ये नहीं बता सकता गिफ्ट क्योंकि अभी कोई पैसे नहीं होते. बट एक चीज बोलूंगा, मेरी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स थी मैंने लगा दी. आई डोंट एग्री. क्यों? मुझे कुछ तो लग रहा है कि इसमें क्या फिशी होगा. अच्छा क्योंकि मैं बताती हूँ. ये डब्बा है. हाँ ये डब्बा है. इसमें इयररिंग्स भी होनी चाहिए थी. अरे तो मैंने नो इयररिंग्स. मैंने सिर्फ ओनली योर नेकलेस व्हिच इज वेरी. रिटर्न कर दे. काम करो उसको उतार के रख दो तुम. भलाई का जमाना ही नहीं है भाई. क्यूट बट आई रियली लाइक इट. जेन्युइनली इट्स वेरी प्रिटी. सो गिफ्ट नंबर 1 अभी रखो रखो. अच्छा ठीक है. वाह क्या ये उससे भी बेहतर होगा? आइए देखते हैं. पूरी है. पूरे प्लेग्राउंड के घर में एक ही चीज चिल्ला रही थी तुम. लिटरली यार प्लेग्राउंड में मैं बर्थडे पे रामेन खाऊं बट वो लोग नहीं दे पाए मुझे रामेन. बट मैंने दे दिया. अभी लास्ट खा लिया ऑलरेडी. रात को खाएंगे. लास्ट चीज बची हुई है जो मैं देना चाहूंगा. यस ये तुम्हारे लिए टिश्यू पेपर है. बहुत रोती हो तुम. तुम इतना इंस्पायर जो हो रहे हो मेरे से हो रहे हो. नहीं अभी ये रखो. ये क्या था? चीयू ची. कुछ डाला नहीं. वो देखो मेरा गिफ्ट. सॉरी माना नकली है. पता था मुझे. I'm fucking you. एक बार बताओ मैं ये कहाँ से. इससे मेरा रिएक्शन भी इतना ठंडा था. मैंने क्या किया पता है? मैं जितने भी बेचारे लड़के मेरे जैसे देख रहे हैं
आप जाओ एक नॉर्मल सी मार्केट में 200 से 250 आपको नेकलेस मिल जाएगा। एक अच्छी सी ब्रांडेड दुकान पे जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि देखो ये गर्लफ्रेंड को देना है और पैसे नहीं है मेरे पास, तो एक बॉक्स दे दो, वो बॉक्स दे देंगे। हाँ और उसमें ये पैक लगा, एटलीस्ट इसमें तो बॉक्स में तो इन्वेस्ट किया होगा, वो भी नहीं किया इन्होंने। उसके बाद इसको पैक कराओ ऐसे जाके, 30 रुपए में पैक हो जाता है, बढ़िया सा लव 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 लव, और आप देख के खुश कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को। वो अगर आपको गर्लफ्रेंड खोनी है तो ये जरूर कर सकते। अच्छा तो फिर ये मतलब तुम जा रही हो? नहीं मतलब मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, तो लगा रो के यार, बट लाइक कोई भी दूसरी होती तो नहीं पसंद। प्लान कैंसिल हो गया मेरा। दैट नेकलेस इज क्यूट, यस, तो तुम्हारे लिए डायमंड इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें, तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह हो, पकड़ो। मुझे लगा था तुम दिल से अच्छी होगी। ये क्या था? ये वही था, मुझे करना था। ये तुम क्यों कर रहे हो? बट तुम्हारे लिए सच में डायमंड मैटर करते हैं, फिर डायमंड हार्ट मैटर करते हैं। वो है मेरे पास, और बताओ। और तो कुछ नहीं है, बट ठीक है। सो गाइस, मैंने दे दिया है दिया बिहारी को एक गोल्ड का नेकलेस, गोल्डन कलर का, ओनली गोल्ड, 225 रुपए, ओनली 225 रुपीज, क्योंकि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, वक्त की कीमत होती है जो इसने मेरा बर्बाद किया दिखाकर। तकना नहीं है, मोटिव नहीं बोलना है, यू नो, उससे बेटर तो ये था भाई, मतलब ये तो मेरे को पता था तुम्हें यही पसंद आएगा, क्योंकि मी लाइक सम साओ पंक एंड आई वुड बी द हैप्पीएस्ट गर्ल ऑन। मैं लेने गया था, मैं तुम्हें सच बताऊं, फिर मैंने कहा एक साल इतना कुछ दे दूंगा तो आगे क्या दूंगा भाई, आगे भी तो बजट बचा के चलना है। यस, छोटी छोटी चीजें डालते रहना है, मुझे नहीं पता व्लॉगिंग कैसे होती है। ए भाई ढाई घंटे का लेजेंड टास्क है, लेजेंड टास्क है, उस समय तो हो गया था, अभी नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई प्रॉमिस टू यू, धीरे धीरे हम वीडियो बनाना भी सीख जाएंगे यार, व्लॉग व्लॉग करना सीख जाएंगे अच्छे से, कैसे करते हैं अभी जितना भी है काम चलाओ ना यार, अभी भी आए हम, थोड़ी तो रैम करो। बाय।